सजनों, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 बोलनी पड़ती है फिर भी नहीं छुपती। एक बात और देखो, क्या सती को पता नहीं है कि ये त्रिकालदर्शी है, सब जान जाएंगे? पर माताओं का स्वभाव होता है क्या, पहले तो कोई काम आगे बढ़ करके कर लेंगी बिना पति के पूछे, और करने के बाद में डरेंगी, अल्लो अब रामूड़ी का बापू पूछेगा तो के बताऊंगी, अब के होगा, अब पूछेंगे तो क्या उत्तर दूंगी, अरे मेरा तो मरना हो गया। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने 8 अवगुण गिनाए हैं, उसमें से क्या है, साहस। माताओं में साहस बहुत होता है, अनृत, चंचलता, भय, डर भी है, साहस से कोई काम कर लेंगे भयभीत भी हो जाएंगे, सोच असोच का ज्यादा ज्ञान नहीं करती, अदाया, अदाया मतलब निर्दयता, वैसे दयालु होती है माताएं, पर अगर अपनी पर आ जाए ना तो नारी का सम्मान करो मत इसका अपमान करो, ये दुर्गा है, जब तक दुर्गा है फिर काली भी, काली बनते टाइम नहीं लगाती महाराज, जब अपने पर आती है ना तो कब पति को मार के सती पे होने बैठ जाए कोई पता नहीं है महाराज, खुद ही तो गला काट दिया, खुद ही रोने बैठ गया, रामोड़ी का बापू कट्ठे गया, खुद ही मार देगी, खुद ही रोने बैठ गया, कोई पता नहीं महाराज। आप ये मत सोचना ये आपके अवगुण है, आपके नहीं गिना रहा हूं मैं, ये तो सती माता सावित्री जैसियों के अवगुण गिनाए हैं कि 8 अवगुण, 8 सदा उड़ रहे हैं। संत पुराण अस कहें, साहस, अनित, चपलता, माया, भय, सोच, अविवेक, अदाया, ये 8 अवगुण गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में गिनाए हैं। ये तो सती जैसी सावित्रियों की बात है, आपके हमारे अवगुण तो लिखने शुरू करें तो धरती छोटी पड़ जाएगी, अवगुणों की खानी है आप हमको महाराज। पर सजनों ये बिल्कुल पक्की बात है, कभी अजमा के देख लेना अपने आप में कि पहले तो हिम्मत करके माताएं काम आगे होके कर लेंगी, बहादुर बनकर के हाँ होने दो होने दो, पर काम बिगड़ने के बाद अलो हाथ वाम डिले पड़ जाते हैं बाद में, तो अब क्या होगा, पक्की बात है। और फिर उसकी लिपापोती करने की कोशिश करेंगी उस बात की लिपापोती, पर फिर भी वो लिपापोती होती नहीं है। सती माता ने भी यही कार्य किया, छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सजनों भगवान शिव ने ध्यान करके देखा कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि परीक्षा कुछ भी नहीं ली हो, तब शंकर देखें धरी ध्याना, सती कीन चरित सब जाना, और मन ही मन संकल्प ले लिया, यह तन सती ही भेटी मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। बोले बाबा ने मन ही मन संकल्प कर लिया। अब देखिएगा आप, अगर आज का कोई पति होता और वो त्रिकालदर्शी होता, देख सकता और उसे पता चल जाता कि मेरी घरवाली झूठ बोल रही है, करके कुछ हो रही है, बता कुछ हो रही है, तो वो क्या चुप बैठता है, पकड़ करके चुटिया, ये पक्की बात है, 2-4 उसी समय पक्की बात है, इतना गुस्सा आता अगर वो त्रिकालदर्शी होता तो। पर भोले बाबा ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सजनों पहली बात तो ये कि नारी के ऊपर हाथ उठाया ही नहीं जाता, ध्यान रखिएगा। आप मनुष्य की बात छोड़ दो, आप पशुओं को देख लो, कभी भी आपने बैल सांड को गाय से लड़ते हुए नहीं देखा होगा, आप देख लीजिएगा, कुत्ता कभी कुतिया से नहीं लड़ता, बिल्ला कभी बिलिया से नहीं लड़ता, चिड़ा कभी चिड़िया से नहीं लड़ता, पशु पक्षियों में देख लो, कभी नारी जाति के ऊपर पशु पक्षी भी हाथ नहीं उठाते। ये तो जिस मनुष्य को हम बुद्धिमान कहते हैं, अब पता नहीं कैसी बुद्धि है, वही हाथ उठा सकता है महाराज।
और जो हाथ स्त्री के ऊपर उठाता है सजनों, वो पुरुष हो ही नहीं सकता, क्योंकि नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता। आप इतिहास उठा करके देखिए, बड़े बड़े महात्माओं की पत्नियों ने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, पर उन्होंने कभी हाथ नहीं उठाया उसके ऊपर। भगवान शिव ने भी कुछ नहीं कहा। यानी गृहस्थी में कभी कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जिसमें चुप रहने में भलाई होती है। भोले बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं, कैसे भी गृहस्थी बनी रहे भाई, अब जो आ गई जैसी आ गई, क्या निभाना तो पड़ेगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।